Hello everyone, this is Syed Shahbaz here. Today we are going to discuss about green energy, dosto. जी हाँ, आपने सही सुना. What is green energy के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसका importance क्या है, और ज्यादातर हमारा जो lecture रहेगा आज वो future technology के पर base रहेगा दोस्तों, कि future में जो आने वाले technologies हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. और next we are also going to study about comparison with other nations. तो very important lecture होने वाला है आज का. Don't miss out, see the entire lecture. So before we proceed, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वीडियो है वो बीट्स यूट्यूब चैनल से पेश किया जा रहा है दोस्तों. आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यू कैन शेयर इट विद अदर्स आल्सो, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज. तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर. देखिए, व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद हम हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के पर चले जाएंगे. देखिए, ग्रीन एनर्जी इज एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स सच एज सनलाइट हो गया, या फिर वाटर हो गया, या फिर विंड हो गया, वहां से आपको जनरेट किया जाता है. ओके, एंड इट इसको एक रिन्यूएबल एनर्जी का अदर फॉर्म भी हम कहते हैं. देखिए, बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में. देखिए, ग्रीन एनर्जी इज नथिंग बट इट्स अ सबसेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जहां से ज्यादा वी कैन गेट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, वी कैन एक्सट्रैक्ट द मोर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, उसको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जिस तरह जो सोलर पैनल्स हैं वो सन रेज अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट. यू कैन यूज इट एज ए वाटर हीटर्स ऑल्सो. और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हम जनरेट करते हैं बाय यूसेज ऑफ वाटर फ्लो, आपने कई बार डैम्स को विजिट किया होगा, वहाँ पे बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं ताकि जब हाई स्पीड ऑफ वाटर वहाँ से पास किया जाता है तो यू कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कैन डिराइव द ग्रीन एनर्जी. तो लेट्स मूव ऑन विद द टाइप्स ऑफ ग्रीन एनर्जी. फर्स्ट हो गया सोलर एनर्जी, जो मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल भी बता दिया है अभी, दैट इज सोलर पैनल्स को लेकर. नेक्स्ट हो गया विंड एनर्जी, जो बड़े बड़े टर्बाइंस आपने देखा होगा, बड़े बड़े ब्लेड्स जो रहते हैं, जो कि एक एलिवेटेड हाइट्स पे, एलिवेटेड प्लेसेस पे इनको रखा जाता है ताकि जो विंड एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके. ओके, नेक्स्ट हो गया हाइड्रो पावर एनर्जी, जो वाटर के फ्लो के जरिए से, जो वाटर की स्पीड के जरिए से इसको जनरेट किया जाता है दोस्तों. एंड नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी होगा, नहीं बायोफ्यूल्स. ओके, जो आपने सुना होगा बायोफ्यूल, जो बायोगैस हम जनरेट करते हैं, जो मीथेन जो यूज किया जाता है, राइट, इस फ्यूल्स में. सो दिस आर द फ्यू टाइप्स ऑफ द ग्रीन एनर्जी, जो मैंने आपको बेसिकली एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि किस तरह से इस एनर्जीज में एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, ग्रीन एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट एज इट रिप्लेस द नेगेटिव इफेक्ट्स. जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ओके, इसके लिए कई देश, कई कंट्रीज अपने आप में एक अग्रीमेंट्स को साइन कर रहे हैं ताकि हम अपने जो रैपिडली जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट को, उसको हम बचा सकें. और जो बेस्ट एग्जाम्पल है जो हर एजुकेटर आपको देता है, राइट, पेरिस क्लाइमेट डील. तो उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा जो ग्लोबल अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको हम 1.5 डिग्री से कम रखेंगे. ओके, ताकि इस क्लाइमेट चेंज को रोका जाए. तो इसीलिए कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं. अभी रिसेंटली यूएस ने भी इसको ज्वाइन किया है फिर से, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि आपके जो इंडस्ट्रीज है उसके जो यू नो धुआं जो निकलता है, जो पोल्यूशन जो होता है उसको कम किया जाए, एंड फॉसिल फ्यूल्स जो व्हीकल्स में हम लोग यू नो यूज़ करते हैं उसको भी रिड्यूस किया जाए, राइट. और मैंने इसके ऊपर भी लेक्चर बनाया हुआ है, एडवांस लिथियम आयन बैटरी, जो अभी इंडिया जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है, और एडवांस लिथियम आयन बैटरीज में जिस तरह से हम यूसेज कर सकते हैं उसके बारे में भी हमारे जो बीट्स यूट्यूब चैनल है वो वीडियो अवेलेबल है. अभी अगर आपने अभी देखा नहीं होगा तो उस वीडियो को देखिएगा, मैंने कई सारे टेक्नोलॉजीज को उसमें डिस्कस किया. तो ग्रीन एनर्जी उस जगह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव करते हैं तो ऑब्वियसली कोई हार्म नहीं रहेगा, राइट. चाहे वो हेल्थ के लिए ले लीजिए आप, राइट, और चाहे आप यू नो इन्वेस्टमेंट के लिए लीजिए, कोई भी हार्म नहीं रहेगा. एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जॉब क्रिएशन हम कर सकते हैं, कम्युनिटीज को सर्व कर सकते हैं, एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉ द क्रिएशन ऑफ 11 मिलियन जॉब्स. कैन यू इमेजिन, 11 मिलियन जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड. 2018 का एक डेटा है और इनका मानना है कि इसका जो है 2022 तक इसका जो आंकड़ा रहेगा वो डबल हो जाएगा अगर इसी तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते रहें. एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज नथिंग बट नेट जीरो. जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो इसीलिए
कई सारे स्टेप्स उठाए गए हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अभी इस साल जो बजट प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में भी ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया गया था दोस्तों। ओके, तो इन्होंने ये कहा है कि 2021 में हम एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लेकर आएंगे इस फिस्कल ईयर में, ताकि हम जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, उसको ज़्यादातर हम उसके पर खर्च कर सके और उसमें जो एनर्जी उसको डिराइव किया जाए। सो व्हाट इज हाइड्रोजन एनर्जी मिशन? देखिए, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन एम्स टू रिड्यूस द पर्टिकुलेट द पोल्यूशन एंड द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जिस तरह से आप देख रहे हैं कई सारे कंट्रीज में, अगर आपने देखा होगा, बेसिकली आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट, कि इंडिया में किस तरह से पोल्यूशन, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, जो हर साल हम फेस करते हैं, स्मॉग का इशू, राइट, उसके बाद जो स्टबल बर्निंग की जाती है उसका इशू हम फेस किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को कम करने के लिए हम व्हीकल्स को जो है एक पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन निकलते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने इस मिशन को निकाला है। एंड इट इज़ नाउ प्रपोज टू लॉन्च हाइड्रोजन एनर्जी मिशन फ्रॉम 2021 to 2022, ओके, फॉर गैदरिंग, फॉर जनरेटिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्स। और उनका ये भी कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर डीकार्बनाइज द हेवी इंडस्ट्रीज, बट इट कैन ऑल्सो होल्ड द की टू क्लीन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ओके, टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो आज की सख्त जरूरत है, ओके, इसका एम है। और इसके लिए कई सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इन्होंने लिया, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम योजना निकाली गई है, जिसको हम शॉर्टकट में पीएम कुसुम योजना भी कहते हैं। तो इनका मतलब, इनका मकसद ये है कि एक प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि जो हमारे जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें, और जितने भी रिसोर्सेस हैं डिस्ट्रीब्यूट करें उसको भी हम जो है प्रॉपरली यूज़ किया जाए और कंज्यूमर एंड तक उसको प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक वेबसाइट भी निकाली जिसका नाम है अक्षय ऊर्जा पोर्टल, और साथ ही साथ इन्होंने इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल भी निकाला है, जहाँ पे जितने भी कोई न्यू एंटरप्रेन्योर्स है या भी जो भी यूथ है जो अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं, इस पोर्टल में जाकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाई गई है ताकि आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो बजट में निकाला गया है गवर्नमेंट के, ताकि हम लोग इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, जो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात की गई है, और उसके बाद कई सारे फंडिंग भी प्रोवाइड की जा रही है इस वजह। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं दोस्तों। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, कि किस तरह से हम जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज है उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ओके, किस तरह से जो वर्ल्ड वाइड के जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर्स है, वो काम कर रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज नथिंग बट वेव एनर्जी। सो अपार्ट फ्रॉम सोलर, अपार्ट फ्रॉम विंड, ओके, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हर देश में पाया जाता है, तो वेव एनर्जी इज वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नाउडेज। देखिए, वेव एनर्जी में होता क्या है, द सोर्स ऑफ मेरिन वेव एनर्जी इज विंड। ओके, आपने कई बार देखा होगा ओशंस में, जहाँ पे कई सारे शिप्स फ्लोट किए जाते हैं, वहाँ पे एक जेनरस अमाउंट ऑफ विंड क्रिएट होती है दोस्तों, तो उससे भी हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। और इनका फायदा क्या है पता है आपको? ये जो फ्री सर्विस पे जब विंड फ्लो होती है ना, वहाँ पे जो एनर्जी लॉस है वो भी बहुत कम होता है। इवन दिस वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एफिशिएंटली एंड आर केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, सो उनके पास वो शक्ति रहती है, वो ताकत रहती है कि वो विंड जो है लॉन्गर डिस्टेंस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं विद माइनर लॉसेस। एंड सम ऑफ द वेव्स गेन एनर्जी फ्रॉम विंड ओवर द लॉन्ग ओपन ओशन स्ट्रेचेस। ओके, जितना बड़ा आपको ओशन रहेगा, जितना आपको एक उनको लिए विंड सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे उतने सारे एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं। और उनकी खासियत ये है कि दे कैन ट्रैवल मोर विद माइनर लॉस, ओके, विद हैव एनर्जी एफिशिएंट। लेट्स मूव ऑन। सो वेव एनर्जी कन्वर्टर्स लगा दिए जाते हैं प्रॉपर जगह पे, जैसे कि आप इमेज पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्टर्स लगा दिए गए हैं प्रॉपर ओशन में। जैसे ही वेव एनर्जी एनर्जी को कैरी आउट करती है, वी कैन विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्टर्स, दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ वेव एनर्जी की बात करें, इट्स ए स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन एनर्जी दोस्तों, वेल कंपेयर टू द रिन्यूएबल एनर्जी। एक पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पे दी जाती है और पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे रहता है, स्पेशल एरिया रहता है, जहाँ से कहीं भी एनर्जी आ जाए तो वो ट्रैप करने की उसके पास ताकत रहती है। ओके, उसके पास वो बेसिक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है कि वेव एनर्जी जो किस डायरेक्शन भी अगर आ जाए तो वहाँ पे वो ट्रैप कर सकता है। नॉट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी अगर बात करें आप, तो सोलर एनर्जी सोलर पैनल्स को जो है आपको पर्टिकुलर एंगल्स में टिल्ट करना पड़ता है,
तब जाकर एक यू नो यू कैन गेट एफिशिएंट एनर्जी. बट ये तो ओपन सरफेस एरिया है, वेव्स एनर्जी है, वेव्स है, विंड एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, इट्स एन ओपन सर्फेस एरिया. स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहता है, ज्यादातर हम एनर्जी को यहाँ पे ले सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट, एक्सेलरेटिंग द डिस्कवरी ऑफ फोटोवोल्टाइक्स. देखिए फोटोवोल्टाइक्स इज नथिंग बट ज्यादातर आपको सोलर पैनल्स में यूज किया जाता है, जिसका मेन मकसद ये है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सके. तो इसकी जो ट्रैपिंग एनर्जी है उसको किस तरह से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द न्यू मटेरियल्स. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, एक साइंटिस्ट की टीम है जो कि कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स को बनाकर एक नया मटेरियल को इन्होंने डेवलप किया है दोस्तों, ओके. जिसका रिजल्ट ये है कि 10-fold इंक्रीज हो चुका है द स्पीड ऑफ यू नो ग्रैस्पिंग द सोलर एनर्जी बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग इन्होंने यूज किया. और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आज रोल प्ले कर रहा है, ओके. हर एक इंडस्ट्री में रोल प्ले कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. एक प्रॉपर टूल माना गया है उसको एक्सेस करने के लिए. इसके यूज करते हुए एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन्होंने किया और लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को दे विल यूज सो दैट मैक्सिमम एनर्जी वी कैन रिस्टोर इट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजी, सैलिनिटी ग्रेडियंट. आपने कई बार सुना होगा कि आपको रिवर और ओशंस में आपको सॉल्ट वाटर रहता है, राइट. तो उससे भी हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं. सो दिस एनर्जी क्रिएटेड फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द टू लिक्विड्स. ओके, सो देर आर टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. दोस्तों इसमें दो तरह की एनर्जी एक्सट्रैक्शन को निकाला जाता है और बेसिकली ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर इनको डेवलप किया जाता है. तो देखिए पहला जो है दिस आर स्टैंड अलोन, जो कि पावर प्लांट जो है यहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे सीज और ओशंस दोनों जो है मर्ज होते रहते हैं. क्योंकि अगर आपने देखा होगा सीज का जो डेंसिटी लेवल है, जो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट रहता है. एंड इफ यू सी अबाउट द रिवर, ओके, रिवर में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है. ओके, दोनों को अगर हम मैच करेंगे तो वहाँ पे एक एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं. तो उसको हम स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट कहते हैं. तो उस प्रॉपर मर्जिंग एरिया पे इस प्लांट को एस्टैब्लिश किया जाता है. एंड नेक्स्ट अगर बात करें हाइब्रिड एनर्जी जनरेशन प्रोसेस, तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बाय द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकाला जाता है एंड ऑब्वियसली दे विल डाइवर्ट टू द पर्टिकुलर ओशंस, पर्टिकुलर कैनाल्स, पर्टिकुलर सीज. तो वहाँ पे अगर इस प्लांट को लगा दें तो इस वेस्ट वाटर को भी प्रॉपरली यूज किया जा सकता है. एक तरफा आप यू नो सी पोल्यूशन को भी रोक रहे हैं, वाटर पोल्यूशन को भी आप रोका जा रहा है, और दूसरी तरफ आप एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो एक विन विन सिचुएशन हो गया दोनों की तरफ. तो नेक्स्ट किया देखेंगे, दिस एनर्जी एसोसिएटेड विद सैलिनिटी ग्रेडियंट कैन बी हार्नेस्ड यूजिंग प्रेशर रिटार्डेड ऑस्मोसिस. देखिए इन्होंने थोड़ा बहुत मैं आपको मैकेनिज्म बेसिक्स बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो आपको शायद समझना है. देखिए मास लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो ये जो वाटर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक ऑस्मोसिस प्रोसेस में फ्लो किया जाता है. दोस्तों व्हाट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस, देखिए जैसे इन्होंने मेजर जो मेंशन किया है रिटार्डेड ऑस्मोसिस. तो रिटार्डेड ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्वेंट को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम सॉल्यूशन. ओके, सो प्रॉपर एक मेम्ब्रेन रखा जाता है, जैसे कि आपने इमेज में भी देखा होगा, राइट, जो दोनों सॉल्यूशन को एक सेपरेट कर रहा है एक मेम्ब्रेन. तो उस मेम्ब्रेन के पास किया जाता है सॉल्यूशन को ताकि हम सॉल्वेंट को निकाला जाए. उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें जो आयन्स होते हैं, उसके जरिए से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं. क्लियर, समझ में आ गया? बस इतना याद रख लीजिए आप, इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है. इसकी वजह से क्या है, हम हमारे एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन ऑल्सो यू नो हार्नेस द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पावर, इसको कहा जाता है. क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया? तो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ पॉलीमर सोलर सेल्स. व्हाट इज दिस सोलर सेल्स? अभी आपने देखा होगा जो नॉर्मल हम सोलर सेल्स को यूज करते हैं, राइट, जो सोलर पैनल्स के पर लगाया जाता है, वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर की जाती है, तो इसमें जो है रीमॉडिफाइड किया गया है. दोस्तों एक रिपोर्ट जो रिसेंटली एक ऑनलाइन जर्नल में पेश किया गया था जिनका नाम था एडवांस मटीरियल पॉइंट्स, इन्होंने एक रिसर्च किया है और एक डिफरेंट मटीरियल से एक पॉलीमर सेल को डेवलप किया है दोस्तों, जो कि वेरी फ्लेक्सिबल है और लाइट इन मटीरियल है. और इसकी जो एफिशिएंसी की बात करें वो बहुत ही इंक्रीज्ड एफिशिएंसी आपको मिल रही है. अगर आप नॉर्मल सोलर सेल्स में स्टोर करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 70-80% रहेगी. अगर इस तरह के पॉलीमर सोलर सेल्स को आप यूज़ करेंगे, इसकी जो एफिशिएंसी इट हैज बीन इंक्रीज्ड मोर देन 90%. ओके, सो जैसे इन्होंने मेंशन किया, रिसर्चर्स आर मेकिंग पॉलीमर सेल्स दैट हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग मोर लाइट विथ रिजर्स. नॉट ओनली द मोर लाइट
और इनके बीच में जो रिफ्लेक्ट होके आती है ना लाइट, वो लाइट को भी ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सेल्स जो है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव की जा रही है थ्रू टेक्सचर। एक पर्टिकुलर मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है टेक्सचर फॉर्मेट में, ताकि जो हम इसकी एनर्जी और भी ट्रैप कर सकें और इनकी जो एफिशिएंसी है उसको भी हम इंक्रीज कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट, सोलार विंड पावर टेक्नोलॉजी दोस्तों। और साइंटिस्ट जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के, इन्होंने क्या किया, सोलार और विंड पावर दोनों को कंबाइन कर दिया दोस्तों, सोलार विंड पावर, ओके, ताकि इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम ज़्यादातर बढ़ा सकें। और बेसिकली अगर आप देखेंगे जो सोलार पावर है, जो एनर्जी है जो जनरेट होती है, तो वहाँ पे हम सैटेलाइट को भेजने वाले, ओके, सैटेलाइट को भेजकर सैटेलाइट को हम सोलार पैनल्स लगाएंगे और जो सोलार एनर्जी, जो सोलार विंड वहाँ पे आ रही है उसको हम ट्रैप कर सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी न्यू इनोवेटिव आइडिया दोस्तों, एक आउट ऑफ द, यू नो, आउट ऑफ द स्पेस ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने ज़्यादातर सोलार पैनल्स देखा होगा जमीन पे लगे रहे होते, ये आपको स्पेस में लगा रहे हैं पैनल्स, सैटेलाइट भी यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जितनी भी सोलार एनर्जी जो एमिट हो रही है, जो सोलार विंड एमिट हो रहा है, तो कंप्लीट एनर्जी अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ओके, कई एनर्जी लॉस हो रहे होंगे बीच में, कई सारा लॉस हो रहा होगा, तो उसके बाद जाकर हमारे अर्थ पे इस एनर्जी पहुंच रही है। तो उस एनर्जी लॉस को ये लोग ट्रैप करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट बनाया, उसके ऊपर सोलार विंड्स को अटैच कर दिया, राइट, ताकि दोनों को हम कंपेयर कर सकें इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी को हम ला सकें। सो अकॉर्डिंग टू द टीम एट वाशिंगटन, इन्होंने कहा है कि 1000 होम्स कैन बी लिट बाय जनरेटिंग दिस एनफ पावर फॉर देम विद द यूज ऑफ 300 meters, ओके, एंड 1 million gigawatt ऑफ पावर कुड ऑल्सो बी जनरेटेड बाई यूजिंग दिस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा बहुत डेटा है जो मैंने आपको मैंशन कर दिया है, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो द सैटेलाइट इज लॉन्च टू द टैप द सोलार विंड पावर इंस्टेड ऑफ वर्किंग लाइक ए विंड मिल, जिस तरह से आपने देखा होगा यहाँ पे विंड मिल लगा दी जाती है और थ्रू द हेल्प ऑफ द विंड पावर दे विल फिजिकली द ब्लेड्स विल बी रोटेट एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट। सो ये सारा कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा, वहाँ पे सोलार पैनल से लोग लगा दिए जाएंगे, सो विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल टैप द सोलार विंड पावर, सिंपल मैकेनिज्म, क्लियर हो गया आपको। तो चलिए कंपैरिजन विद अदर नेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंडिया का स्टैंड किस तरह है व्हेन कंपेयर टू द चाइना, व्हेन कंपेयर टू द जापान, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो करेंटली इंडिया का जो ऑलमोस्ट 32 गीगावाट्स है दोस्तों ऑफ विंड पावर एंड 12 गीगावाट्स ऑफ सोलार पावर, ओके, सो अभी प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो विच अमाउंट्स टू 17% ऑफ टोटल पावर आउटपुट मिल रहा है। अगर हम चाइना को कंपेयर करेंगे, चाइना हैज 149 गीगावाट ऑफ विंड एंड 77 गीगावाट ऑफ सोलार पावर। देखिए, सो इंडिया के अगर आप फिगर्स के देखेंगे तो 32 गीगावाट्स है, चाइना का आपको 149 गीगावाट मिल रहा है, तो इट्स वेरी ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो हम लोगों को भी ऐसे कई सारे पॉलिसीज को मिलाना ज़रूरी है, ताकि हम भी अपनी जो एनर्जी आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकें। और इंडिया भी यू नो एक NEP को भी ड्राफ्ट कर रहा है, एक स्ट्रैटेजी है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, ओके, इसके तहत हमारा जो टारगेट है कि हम 175 गीगावाट को अचीव करने वाले हैं बाय 2022, यानी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हम अचीव करने का टारगेट बनाए, और वी कैन ऑल्सो अचीव द 100 गीगावाट ऑफ सोलार पावर, कि ये भी टारगेट इन्होंने बनाए रखा है। सो ओवर द 5 पीरियड दिस विल रिजल्ट, देखते हैं क्या होता है। जो सोलार एनर्जी जनरेट की गई है वो 66% अभी इंक्रीज हो चुकी है दोस्तों, ओके, एंड द विंड कैपेसिटी जो है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है अभी। तो आने वाले कुछ दिनों में अगर हम प्रॉपरली इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वी कैन यू नो अचीव द टारगेट एंड वी कैन ऑल्सो थ्रो द चाइना बैक। नेक्स्ट अगर देखें, जापान ने भी कई सारे स्टेप्स को, इनिशिएटिव्स को ये लोग लेकर आ रहे हैं, और इन्होंने ये भी कह दिया कि वो 2030 तक जितने भी कोल प्लांट्स उसको कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे, ओके, एंड जापान इज गोइंग फर्स्ट ऑफशोर टेंडर, दे आर आल्सो गोइंग फॉर द प्रिपेयरिंग सोलार फ्लोटिंग प्लांट्स भी लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ओके, और इन्होंने जून 2021 तक इनका अचीव करने का भी टारगेट बना रखा है। एंड वन मोर थिंग, सो जापान दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ वायरलेस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों, ओके, सो किस तरह से जो जापान स्पेस एजेंसी है ये वायरलेस के जरिए से लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने वाले, ओके, दे हैव ऑल्सो सेंड मेनी सोलर पैनल्स टू द स्पेस, ताकि वहाँ से एक वायरलेस मैकेनिज्म से हमारे अर्थ को इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी
कई सारे रिसर्च अभी जो किया जा रहा है। सो अगर आप देखें तो ड्यू टू दिस COVID-19 लॉकडाउन, तो जिस तरह से जो नॉर्मल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार पड़ा है दोस्तों। ओके, वी कैन सी वी हैव ए डिप्रिशिएट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है वो डिप्रेस होती जा रही है, तो उसकी वजह से हमको एक मौका दिया गया है ताकि हम जो है इस रिन्यूएबल एनर्जीज को अच्छे से डेवलप कर सकें और उसका जो ग्रोथ है, उसका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अगर आप कह सकते हैं, उसको हम आगे ले जाने के एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म COVID-19 हम लोगों को दिया है। तो लेट्स होप कि आगे इंडिया चलकर कई सारे इस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेगा ताकि हम लोगों को भी जो है वर्ल्ड से कम्पीट कर सके इन द टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, इन द टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी। और जैसे मैंने आपको बताया तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है, दे आर यूजिंग द सोलर पैनल्स इन द स्पेस। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी हमारा इसरो भी आगे चलकर अगर डेवलप करे, देन वी विल ऑल्सो एट पार विद द अदर नेशंस। सो दिस इज अबाउट टूडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। हमने इस लेक्चर में वॉट इज ग्रीन एनर्जी के बारे में पढ़ा, वॉट आर द टाइप्स के बारे में पढ़ा, राइट। और ज़्यादातर मैंने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को आपको बताया, राइट, क्या क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल, बीट्स YouTube चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook एंड Instagram। थैंक यू सो मच। Oh, oh, oh.